जी नाज़रीन, ये हाफिज फरद को गिरफ्तार किया जा रहा है। जी नाज़रीन, हाफिज फरद को रुकने पंजाब असेंबली, ये नाज़रीन डीएसपी, ये डीएसपी साहब हैं, हाफिज फरद को गिरफ्तार किया जा रहा है। बराह रास्त आप नजर दिखा रहे हैं हाफिज फरद को बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है। कारकुनों को जो है वो यहाँ पे पकड़ा जा रहा है। ये देखिए, नहीं पुलिस जो है वो तशद्दुद का निशाना बना रही है। आप देख सकते हैं हाफिज फरद जो कि सर आप असेंबली के रुकन है। आप ये देखिए नहीं ऐसे जो साहब जवेद साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये भी रुकने पर नहीं रहते बड़ी। हाफिज फरद साहब मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है, एमपी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। आज 44 साल बाद सुल्तान अली भुट्टो केस का फैसला दे रहे हैं और गलती एडमिट कर रहे हैं। क्या इमरान खान को 44 साल लगेंगे इंसाफ लेने के लिए? हाफिज साहब आपको गिरफ्तार कौन करवा रहा है? हाफिज साहब मरियम तो कह रही थी हम बेरहम हो जाएंगे आप इत्तेजाज करेंगे, तो मरियम ने कहा था कि हम बेरहम हो जाएंगे अगर आप इत्तेजाज करेंगे। ये जबर अजमाल है, हम अपना सबर अजमाएंगे। आप तो असेंबली के मेंबर हैं, आपको थप्पड़ मारेंगे? मस्ता नहीं मारे हैं, कोई मस्ता नहीं, मैं असेंबली में बुलाऊंगा। ये देखने नाम लिख रहा हूं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनस गोंदल हूँ, इस वक्त जीपीओ चौक मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैली है वो पहुंच चुकी है। अली एजाज भुट्टो एजाज साहब जो हैं वो इसको लीड कर रहे हैं। अली एजाज भुट्टो साहब, भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं, गिरफ्तारी हो सकती है? ये बिल्कुल हम निकले हुए हैं और इंशाल्लाह ये मैंडेट जो छीना गया है इमरान के रेटर बिल्कुल, ये जो जल एम एल एस बने हुए हैं, जल एम पी एस बने हुए हैं, जल मैंडेट दिया गया। आपको लाइव मिला क्या हुआ? जी आफिज साहब आपको मारा इन्होंने? मारा कोई नहीं, मार लें क्या कर लेंगे। रुकने पंजाब असेंबली हूँ मैं, बताना चाह रहा हूँ ये फस्तायत की हुकूमत नहीं चलेगी। आपके ऊपर तशद्दुद किया गया? आप बिल्कुल किया गया। अच्छा अब क्या करेंगे? कब तक चलेगा अगर आपके साथ ये औरत अवाम का सेव है? एक बात बताऊँ, ये मुस्लिम लीग नून का सियासी जनाजा है, इसको जो जो कंधा दे रहा है, ये इतना भारी जनाजा है ये ज्यादा देर उठा नहीं सकेंगे, ये सिस्टम इसका बोझ नहीं उठा सकेगा। इनको अल्टीमेटली फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे दोस्तों की सीटें वापस करनी पड़ेंगी। जो खवातीन की रिजर्व सीटों पे डाका मर है वो वापस करना पड़ेगा। आज 44 साल बाद जुल्फकार अली भुट्टो के केस में इन्होंने फैसला दिया है।